चलें, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी खासियत। इसकी खासियत क्या है कि करोला को आप गड्ढों पे चलाएं, कच्चे पे चलाएं, कहीं भी चलाएं, इसका जो सस्पेंशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो जहाँ मर्जी चलाएं, 2-4 साल इसके सस्पेंशन कहीं नहीं बोलते। तो मेरे ख्याल से टोयोटा करोला इसलिए भी बहुत ज़्यादा, इसकी रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान के और कराची के रोड का तो आपको अंदाज़ा ही है कि हर तरफ टूटी फूटी सड़कें हैं। तो इसके लिए करोला इज़ द बेस्ट कार, मेरे ख्याल से करोला इज़ द बेस्ट कार, क्योंकि इसे जहाँ मर्ज़ी चलाएं ये चलेगी और आपको कंफर्टेबल फील देगी, चलाने में मज़ा भी आएगा और सेकेंडली आप जो है ना कंफर्टेबल फील करते हैं इसको चलाने के साथ। ये 2021 का मॉडल है और अल्टिस 1.6 बहुत ज़बरदस्त है। ये न्यू लुक है, फेस लिफ्ट बिल्कुल चेंज है और इसका बम्पर जो है डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू करोला GLI 2015 के मुकाबले में। ये देखें इसकी लाइट और इसके साथ इसके अलावा बिल्ट इन है ये। अच्छा, इसकी लाइट्स पीछे की हेलोजन लाइट्स हैं, इसकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। ये ब्लैक कलर तो आपको पता ही है, ऐसी ज़बरदस्त है। और ओके, चलें अब हम इंटीरियर देखते हैं कि इंटीरियर इसका कैसा है। लेट्स सी, अब इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त है इसका। इसके जो सीट्स हैं वो ये लेदर सीट्स हैं, लेकिन ये आफ्टर मार्केट है, ये आफ्टर मार्केट है लेदर सीट्स। बीच कलर में इसका इंटीरियर जो है वो ब्लैक और बीच कलर में है, आप देख सकते हैं। और मैं इसको स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ आपको। और इसको स्टार्ट करते हैं, इसका जो मीटर है वो बड़ा ज़बरदस्त है, खूबसूरत दिया है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट मॉडल्स के। और ये गेट ओपन का लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मैं गेट क्लोज कर देता हूँ। ये देखें इसके एंड्रॉयड पैनल दिया हुआ है और ये बिल्ट इन है इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। घेर और इसके जो हैंड ब्रेक्स हैं एज यूजुअल ट्रेडिशनल है बिल्कुल, ठीक है। बीच कलर में इसका इंटीरियर है, इंटीरियर अच्छा है। और डैशबोर्ड भी ब्लैक पे है, डैशबोर्ड ब्लैक में है इसका, अच्छा है। स्टीयरिंग इसका थोड़ा डिफरेंट है, इसके स्टीयरिंग में आप ये देखें कि यहाँ पर मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो बटन्स गिवन है ये मल्टीमीडिया लाइक साउंड को कंट्रोल करता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन, उसके अलावा सिलेक्शन। और मेरे जो राइट हैंड पर जो ये बटन्स हैं ये एक्चुअली दिखाता है कि यूनिट्स और उसके अलावा करंट इसकी सिचुएशन और उसके साथ साथ मैसेजेस। और ये दिखाते हैं कि इसका एवरेज क्या आ रहा है, ये मीटर पर आ रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। इसमें 2 एयरबैग्स हैं, एक इसके स्टीयरिंग पर है और एक सामने डैशबोर्ड पर है। और दूसरी चीज़ इसकी सबसे अच्छी मुझे ये लगती है अल्टिस में, अच्छा मैं एक और बात बता दूँ इसमें कि इसके 2021 के मॉडल अल्टिस 1.6 में जो है क्रूज़ नहीं है, मगर अगर आप बात करें ग्रैंडी 1.8 में तो क्रूज़ है। अच्छा, एक और चीज़ हाँ मैं बताने जा रहा था कि इसमें देखें ये जो है मल्टीमीडिया का एक अलग स्पीकर दिया हुआ है, स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं, इसके साउंड बड़ा अच्छा दिया है, बिल्ट इन साउंड। ये देखें आप, बहुत देखें, अच्छा ये इसका व्यू है। चलें अब मैं आपको बैक साइड का स्पेस दिखाता हूँ। मैं समझता हूँ यहाँ पे आराम से 3 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं कि 3 सीट की कैपेसिटी है। और उसके अलावा देखें आराम से आपके पास ये पाँव के भी स्पेस मौजूद है, आराम से आप बैठ सकते हैं। और सेकेंडली यहाँ पर भी होल्डिंग दी हुई है, फोल्डिंग है कुछ। और ये जो है कप ट्रे हैं, यहाँ पर आप 2 गिलास आराम से लगा सकते हैं और ये बड़ा अच्छा है इस गाड़ी में, ठीक है। और पीछे का स्पेस आराम से 3 बंदे तो आराम से बैठ सकते हैं, चौथा अगर आप बैठा कर लेके कहीं जाना चाहते हैं तो वो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वैसे यहाँ पर सिर्फ 3 लोगों की कैपेसिटी है। बहुत अच्छे से 3 लोग कम्फर्टेबल होकर बैठ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी इसको पाँव रखने में कोई परेशानी नहीं होगी, तो ईजी एक्सेस है। इसके डिग्गी के बारे में बताता हूँ कि डिग्गी का कितना स्पेस है, ये देखें डिग्गी में भी काफ़ी बड़ा स्पेस है। और ये इसके साथ इसके टूल्स, टायर टूल्स और एक टायर भी होता है और टायर खोलने के तमाम जैक्स वगैरह वो हैं। और एक
अच्छा स्पेस है यहाँ पर, अभी देखिए आराम से दो चार लोगों को बिठा सकते हैं आप। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, दो चार लोगों को नहीं बिठाना है, थोड़ा बहुत सामान जो आप डिग्गी में रख सकते हैं, एक दो बैग तो आराम से ही यहाँ पर। को देखते हैं ये VVTi ड्यूल इंजन कहलाता है 1.6, और इसकी कैपेसिटी जो है 1600 cc होती है, लेकिन बुक में 1600 cc से एक दो cc कम होती है, टैक्स बचाने का सीन होता है। तो ये इसका जो है चलने में बड़ी ज़बरदस्त है, और एक्स वर्जन तो इनका और बड़ा अच्छा है और बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। देखें आप, स्मूथ ड्राइव है, ये बहुत स्मूथ ड्राइव है और इसे चलाने में बड़ा मज़ा आता है, इसके जम्स भी बड़े अच्छे हैं। और मेरे साथ अनाया है, अनाया बड़ी प्यारी बच्ची है और ये सारी चीज़ें मेरी हेल्प करती हैं वीडियो में, वीडियो बनाने में बड़ी हेल्प करती हैं अनाया, तो अनाया को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी आप लोगों को, और मुझे मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप जो है लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।